देखिए नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में राजस्थान को फिर भी डाउटफुल मानते थे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कहीं कम नहीं हुआ ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास, ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2% 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं इसका वेयरशिप लेवल पर ही डिसीजन होगा, बातचीत करेंगे भी क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम सभी चुनाव हुए हैं तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। और मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर, हर व्यक्ति जवान भी था भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था, ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकमरी कहलाती है, सत्ता विरोध लहर वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो एक स्वर में कहते थे कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जी सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोध लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहां बिल्कुल ही नहीं थी, शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी दी हम लोगों ने, परफॉर्मेंस अच्छे किए, लागू होगी गारंटी भी और स्कीम हमारी सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को, इसलिए हर आदमी जवान पे था सरकार तो रिपीट होगी होगी। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री जी पांचायत मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संगत कर रहे हैं लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर परफॉर्मेंस पर हमारी कोई गलतियां हैं कमियां हैं इसकी में कोई कमी है उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने, वो उसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले उन्होंने, उनको 5 लाख दिए मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को, पर जिस प्रकार की अफवाहें चली गई झूठ बोल करके, ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे लोगों को भ्रम पैदा करे गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का, महिला बच्चा जा रहे हैं पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है, हम तो तुलना नहीं करना चाहते, हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इतने मैं कहना चाहूंगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उतना वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया, और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं ना कानून देखते हैं ना गारंटी देखते हैं। अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही मंत्री, अभी तो मैं उनके बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।